ना हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर के अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। तो इसमें तो सबसे पहले ये देखो, कॉमन बेस एम्पलीफायर दिया हुआ है आपका, इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग इसके लिए मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजिस्टर दिया हुआ हो उस ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो ये कॉमन इमिटर एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करने के लिए देखो, हम सर्किट पहले से बना दिए सो डेट कि आपको समझने में आसानी हो। ये इमिटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल। तो आपको याद होगा है ना, बेस से आपको जो है एच आई जुड़ा हुआ था। तो ये देखो बेस से हम लोग जो है बेस, ये बेस देखो ग्राउंडेड है, ये बेस को हम लोग ग्राउंडेड कर दिए सिंपल। इस बेस के साथ जो आर एल डैश जुड़ा हुआ है सी, आर एल डैश सी, इस बेस से आपका ई जुड़ा हुआ था है ना, तो इसी को हम लोग को रिप्लेस करना है। ओके, तो अब ये देखो बेस के साथ जो है एच आई, आप जब एच पैरामीटर मॉडल देखेंगे तो बेस के साथ ऑलवेज एच आई जुड़ा रहेगा, सी के साथ ऑलवेज एच एफ ई आई भी जुड़ा रहेगा, और ई आपका ग्राउंडेड रहेगा है ना। तो ई तो आपका ई इससे कनेक्टेड है, जब ई इससे कनेक्टेड है तो इसके साथ जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आर एस। तो ये ई जो है इन दोनों आपस में पैरेलल, देखो ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये पैरेलल में दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पैरामीटर मॉडल निकाल लिए। ओके, अब हम लोग इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम लोग जैसे कैलकुलेट करते थे ए आई, ए आई इक्वल टू आई नॉट बाई आई आई, आई नॉट मतलब हट, आई एल, आई एल और आई आई मतलब हट इनपुट, ए ना हमारा इनपुट, आई बी दिस मतलब। ओके, अब ये देखो ये आई एल, इधर से आई एल फ्लो करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई एल इक्वल टू ए माइनस एच एफ ई आई बी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच एफ, लिख सकते हैं हम लोग नहीं। ओके, एच एफ ई आई बी। अब हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअली कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पे कॉमन बेस है ना, कॉमन बेस में आई आई। ओके, और आई इधर से फ्लो करता है आई, तो आई एल इक्वल टू गया माइनस एच एफ ई आई बी। अब यहाँ पे ई पे केसीएल अप्लाई करेंगे, जब आप ई पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो आई इनपुट प्लस आई बी इनपुट प्लस एच एफ ई आई बी इनपुट, ओके इक्वल टू जीरो, इससे आई बी किससे वैल्यू निकल जाएगा है ना, ये आई उधर जाएगा माइनस आई बाई वन प्लस एच एफ ई, लिख सकते हैं हम लोग। जब आप इसमें इस पर पुट करेंगे आई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एच एफ ई बाई वन प्लस एच एफ ई, तो वन प्लस एच एफ ई नियरली इक्वल टू एच एफ ई होगा, तो ये सॉरी जैसे पुट करें तो ये आई बी हो जाएगा, आई बी इक्वल टू सॉरी आई ई हो जाएगा, तो ये हो गया ए आई इक्वल टू आई एल बाई आई इक्वल टू एच एफ ई बाई वन प्लस एच एफ ई, तो ये दोनों आपस में बराबर है, नियरली इक्वल टू वन हो गया। यूनिटी काइंड गेन, कॉमन बेस का यूनिटी काइंड गेन होता नियरली है ना। नाउ आपको आर आई निकलना है, इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट रेसिस्टेंस यानी कि वी आई बाई आई, ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ वी आई था, ये वी आई बाई आई ई, आई ये करना हम लोग को नहीं। अब क्या है सिंपल, हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल, केवीएल कहाँ अप्लाई करेंगे, ओके ये एच एफ ई आई बी, ओके और वी आई, तो वी आई हमारा कहाँ है सिंपल, वी आई हमारा जो है इसके इसके बीच में था हमारा है ना,
इमिटर और बेस के बीच में था, इमिटर और बेस के बीच में था, यहाँ था है ना, वी आई यहाँ, सॉरी यहाँ था, ओके वी आई। तो हम लोग वी आई निकालेंगे पहले। तो वी आई निकालने के लिए हम लोग जो है ये देखो आई बी एच आई, ओके ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस होगा, देखेंगे हम लोग। इमीटर के साथ प्लस टर्मिनल था और माइनस आपका बेस के साथ टर्मिनल था। तो ये इधर से जब लूप घूमेंगे प्लस वी आई प्लस एच आई, आई बी इक्वल टू जीरो, तो वी आई इक्वल टू माइनस एच आई आई बी हो गया। अल्सो आपका आई बी जो निकला माइनस एच आई इंटू आई बाई वन प्लस एच एफ टी, माइनस माइनस प्लस वी आई बाई आई आ गया वन प्लस एच एफ टी, ओके। इस तरह से हम लोग जो है इनपुट डिस्टेंस निकाले। अब यहाँ पे जो वन प्लस एच एफ ई है इसका वैल्यू जो है एच आई से बहुत बड़ा है, इसलिए आर आई का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, लोएस्ट होगा है ना। अब सिंपली हम लोग इसी तरह जो है ए भी निकालेंगे है ना, ए भी ए भी इक्वल टू बी नॉट बाई बी आई वी आई सिंपल। ये देखो वी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आई एल डैश लिख सकते हैं हम लोग, और आई एल इक्वल टू क्या था, माइनस एच एफ ई इंटू आई बी आर एल डैश लिख सकते हैं हम लोग है ना, ओके। तो वी नॉट बाई वी आई, और वी आई इक्वल टू हम लोग भी लिखते थे वी आई इक्वल टू एच आई इंटू आई बी विथ माइनस साइन, ए भी इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच एफ ई आर एल डैश बाई एच आई, ए भी हो गया हमारा। यहाँ पे ए भी का वैल्यू जो है लार्जर होता है, ओके। यानी कि जो भी कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, दोनों के केस में लार्ज वोल्टेज गेन, आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म भी आपका जो है आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया, तो माइनस साइन नहीं आया तो यहाँ पे सेम होगा, ओके। कॉमन बेस में सेम फेज में होगा, उसमें देखेंगे आपका जो है माइनस साइन के साथ आया वोल्टेज गेन। तो जहाँ ये वोल्टेज गेन माइनस साइन के साथ आता है यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, ओके। और मैग्नीट्यूड लमसम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस निकालेंगे, आउटपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, ये शॉर्ट हो गया, लोड को डिसकनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वी एक्स लगाते हैं और यहाँ पे आई एक्स करेंट लगाते हैं, तो ये वी एक्स बाई आई एक्स हो गया। चैप्टर में लिखते हैं इसको हम लोग, ये वी एक्स बाई आई एक्स हो गया सिंपल। नहीं अब ये देखो ये आपस में पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल हो गया, ओके ये आपस में पैरेलल हो गया सिंपल, यानी कि आर ई पैरेलल आर एस इक्वल टू आर ई डैश देख सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह से वी आई देखा सकते हो या आप इस तरह से वी आई देखा सकते हो, दोनों सेम ही, ओके। क्योंकि माइनस टर्मिनल यहाँ पे इस तरह से, आप इस तरह से भी देखा सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज एनी वन, ये आई भी था हमारा। अब ये आई एक्स
तो ये आई एक्स इक्वल टू क्या होगा इस डायरेक्शन में, एच एफ ई आई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम सेम करंट होगा हमारा, नहीं दोनों सेम सेम करंट होगा, एच एफ ई आई भी ओके। अब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे किस में, केवीएल हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, आई बी एच आई ओके कैन उल्टा डायरेक्शन में माइनस आई इंटू आर ई पैरेलल आर एस इक्वल टू जीरो ओके। उसके साथ साथ जो है ई पे केसीएल हम लोग अप्लाई करेंगे, आई इनपुट ओके आई बी इनपुट प्लस एच एफ ई आई बी जीरो, तो इससे आपका आई निकल गया था आपका वन प्लस एच एफ ई आई बी, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग है ना, इसको हम लोग वहाँ पुट कर सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर क्या देखो, इसको हम लोग जो है यहाँ हम लोग पुट किए ओके, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आई बी को कॉमन लें तो आई बी जीरो हो जाएगा, आई बी जीरो होगा तो आई एक्स जीरो हो जाए, आई एक्स जीरो होगा तो आई नॉट इन्फिनिट लेंगे। ये कब हो रहा है, जब हम लोग एच ओ ई को निगलेक्ट किए हुए हैं तब, हम लोग एच ओ ई को अब कंसीडर करेंगे। तो एच ओ ई को कंसीडर करने का मतलब क्या है कि इसके पैरेलल में वन प्लस वन बाई एच ओ ई लिखना, हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे ओके। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे ई पी एफ कैसे लगाएंगे, अब इस ई पी कैसे लगाएंगे है ना, तो आई ई प्लस आई बी प्लस आई एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि आई एक्स इक्वल टू माइनस आई प्लस आई बी है ना, ये तो सारा मिलके आई एक्स ही आ रहा है ना यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे जो है हम लोग केवीएल लगाएंगे, दिस वन इसमें केवीएल लगा के जो है अभी हम लोग पाए थे आई बी इक्वल टू, जब केवीएल लगाएंगे तो आई ई आर एस पैरेलल आर ई डिवाइडेड बाई एच आई, ये आया था हम लोग का। इसमें केवीएल लगाएंगे तो सॉरी प्लस के साथ आएगा ओके। इस आई बी को यहाँ पुट कर देंगे, जब इस आई बी को यहाँ पुट कर देंगे तो आई एक्स इक्वल टू माइनस आई ई कॉमन हो जाएगा वन प्लस आर एस पैरेलल आर ई बाई एच आई, सिंपल आई एक्स निकल गया। अब केवीएल हम लोग लगाएंगे किस लूप में, इस लूप माइनस वी एक्स ओके, माइनस वी एक्स यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, अब ये टर्मिनल यहाँ आ गया ओके। माइनस वी एक्स इसके क्रॉस वी वन ओके, सिंपल हम लोग यहाँ पे वी वन लिखेंगे, वी एक्स को निकालेंगे, यहाँ केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगा के जो है आई एक्स के टर्म में आएगा वैल्यू आपका, इसको आप कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे वी एक्स बाई आई एक्स निकाल सकते हैं आप। इस तरह से आप कैलकुलेट करके जो है आर नॉट, कैलकुलेशन का कोई नीड है नहीं, फाइनली जो आपका एक्चुअली वैल्यू आता है यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पीडीएफ में आपका दिया हुआ है ओके। वन प्लस एच एफ ई बाई एच ओ ई आता है, यहाँ पे आर नॉट जो है बहुत लार्ज है, यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी, कंपेयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है।